चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। यह सेशन एनटीपीसी ग्रुप डी, सीएचएसएल और डीआरडीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए सेशन को मिस न करें और पूरा देखें। इसमें साइंस और स्टैटिक जीके को क्वेश्चन इंक्लूडेड है दोस्तों, जो नॉलेज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में चालकोजन फैमिली किस ग्रुप को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ग्रुप 16 को। तो ग्रुप 16 को चालकोजन फैमिली भी कहते हैं और ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 को दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है और चालकोजन फैमिली भी। उसी तरह ग्रुप 16 में कौन कौन एलिमेंट है दोस्तों, देख लेते हैं उसको। एक हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम को दोस्तों रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह ग्रुप 15 है दोस्तों, ग्रुप 15 को कहा जाता है निकोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली भी। नाइट्रोजन फैमिली, उसी तरह दोस्तों ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजन। सिर्फ एच लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाइएगा। उसी तरह ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबल फैमिली, NF लिख देते हैं दोस्तों, नोबल फैमिली। इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अंतिम तत्व तो क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यूरेनियम। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था दोस्तों, उसका लास्ट एलिमेंट यूरेनियम था और फर्स्ट एलिमेंट तो पता ही है दोस्तों, हाइड्रोजन था। उसी तरह मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया कब था दोस्तों? ये दिया था 1869 में और पब्लिश कब करवाया उसको? 1872 में। तो मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल तैयार किए तो उसमें कितने एलिमेंट थे दोस्तों? तो 63 थे। उसका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था और लास्ट का एलिमेंट यूरेनियम। उसी तरह दोस्तों थोड़ा सा थोरियम के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव सीरीज दिया था दोस्तों, उसका लास्ट एलिमेंट थोरियम था। न्यूलैंड्स ने जो अपनी ऑक्टेव सीरीज दी थी दोस्तों, उसका लास्ट एलिमेंट थोरियम था। और जब न्यूलैंड्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उसमें टोटल एलिमेंट था दोस्तों 56। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन बी है मैगिनॉट रेखा, यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस, मैगिनॉट रेखा है दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच, और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। उसी तरह डूरंड रेखा हो गया दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल लोकसभा के बारे में बताता? तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 बताता। उसी तरह दोस्तों 79 संसद के बारे में बताता, सॉरी दोस्तों संसद के बारे में बताता है। उसी तरह 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, राज्यसभा के बारे में बताता, और 81 लोकसभा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की दोस्तों डी डूबे ने। तो आंसर होगा बी, कब की थी दोस्तों? 1958। उसी तरह दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, यानी केंद्रक। ये वो सेशन है दोस्तों जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपके पास होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज किया, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों वेल्डेयर ने क्या किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की थी दोस्तों? तो यह किया था 1831, याद रखे दोस्तों, ये सब पूछा जाता है।
उसी तरह वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नामकरण किया था, क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र भी बोलते हैं, क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र भी कहा जाता है, जिसका नामकरण कब किया दोस्तों, 1888 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये कम समय और ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह आपके पास होगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप खुद जज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जीवाणुओं का नामकरण किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एहरनबर्ग। तो नामकरण तो एहरनबर्ग ने किया दोस्तों, लेकिन जीवाणुओं की खोज किसने की थी? ल्यूमेनहुक ने। इसीलिए ल्यूमेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, या फिर जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उसी तरह रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी दोस्तों, टीबी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बोलिए, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, तो इनमें से सभी होगा। यूरो सभी देशों, इन तीनों देशों की मुद्रा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश है दोस्तों, बता देते हैं। जैसे हो गया आयरलैंड की मुद्रा, आयरलैंड की हो गया दोस्तों, नीदरलैंड तो है ही है दोस्तों, दे दिए इसमें, ऑस्ट्रिया की है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं सचिएगा इसको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। उसी तरह दोस्तों जर्मनी की भी है, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, जर्मनी, इसी तरह जर्मनी की है, और उसी तरह फ्रांस का भी है दोस्तों। इन सब की मुद्रा है दोस्तों यूरो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। तो 92वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके साथ और भी दो भाषा थे दोस्तों, वो था डोंगरी और वो था संथाली। उसी तरह दोस्तों बोडो कहाँ की भाषा है दोस्तों? असम। और डोंगरी हो गया कश्मीर, खाली के लिख देते हैं दोस्तों। उसी तरह संथाली हो गया झारखंड की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीना जो आता है दोस्तों, उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क देखा जाए तो है शरीर के तापमान को स्टेबल रखना, यानी नियंत्रित रखना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, और ये एक तरह से जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, तो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी जिस झिल्ली से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, यानी इसका आंसर होगा बी। जिस झिल्ली से किडनी घिरा हुआ रहता है उसे पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। तो और नहीं है दोस्तों, तो आज का सेशन इतने तक यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। अगर आपको इस तरह का वीडियो हमेशा से ही चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें, क्योंकि दोस्तों आप अगर डिजिटल बोर्ड में पढ़िएगा और पता चला कि कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का। और अगर आप मेरे जैसे इसी तरह अच्छे कंटेंट, मतलब आप पढ़ रहे हो और आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए, तो हमको नहीं लगता कि वो डिजिटल वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है।
और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने से मतलब। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ना कि डिजिटली पढ़े तो ज़्यादा अच्छी हो या फिर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग समझदार है, बाकी समझते होंगे। चलिए दोस्तों।